सो हेलो गाइस, धुरिया जी टेक में स्वागत है आपका। सो आज और एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ मैं, जो कि सॉफ्टवेयर मशीन के ऊपर है। सो काफ़ी लोग का सॉफ्टवेयर मशीन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। खास करके जो चाइना मशीन है। सो एक मैडम का कॉल आया था कुछ दिन पहले, जिनका उधर का वोल्टेज हाई हो रहा था, तो इसकी वजह से उनकी मशीन नहीं चल रही थी सॉफ्टी की, और उसके लिए स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है आपको अगर सॉफ्टी मशीन आपकी वोल्टेज हाई करके लिख के आता है। और हमारे पास तो सॉफ्टी मशीन का पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए तो उसका हम पीडीएफ आपको दे देंगे। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा कि आपको चाहिए करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर ही दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और जिन लोगों ने कमेंट किया उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सो गाइस, बहुत से लोग ओवररन का जो ये ट्यूब आता है, जो इसमें लिखा है 15 नंबर पे पफिंग ट्यूब, जो उसको आइसक्रीम को एकदम पफ बनाता है, फुलाता है और उसमें एयर फिलअप करता है, तो वो नहीं लगा के रखे हुए हैं। मैंने ये जो मशीन का अभी मैं दिखाऊंगा, इसमें भी नहीं लगा हुआ है। बीच में एकदम टैंक के बीच में एक होल रहता है और उसमें ही आपको वो ट्यूब को लगाना रहता है। और अगर मैं आपको इधर दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन शॉट में आपको साइड में लगा देता हूँ, और वो आप देख सकते हैं 15 नंबर पे दोनों टैंक में एक एक ट्यूब लगा रहता है, जो पफिंग ट्यूब बोलते हैं उसको। सो वो लगाना ज़रूरी है, अगर वो नहीं लगाएंगे आप तो आपका ओवररन नहीं आएगा। और मशीन को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मशीन आप खोल के क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें बास आएगा और आपका आइसक्रीम का जो आपका जो बेस है वो भी ख़राब हो सकता है, और उसमें से बास भी आना चालू हो जाएगा अगर आप मशीन को अगर प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे तो। मशीन को प्रॉपर क्लीनिंग करने का अगर आपको तरीका जानना है तो आप एक इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। सो गाइज, आपको नंबर भी हमने प्रोवाइड कर दिया है, अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप उस पर 24 घंटे कॉल कभी भी कर सकते हैं। और मशीन का क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, मशीन अगर क्लीन नहीं रहेगा तो भी आपको दिक्कतें आएंगी। और जहाँ पे आप मशीन लगा रहे हैं उसे कम से कम 6 इंच दूरी दीवार से होना चाहिए, जहाँ पे आप मशीन लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, पीछे से जिधर उधर उसका कंडेंसर रहता है, साइड में रहेगा तो साइड में 6 इंच छोड़ दीजिए, और कंडेंसर अगर पीछे है तो पीछे 6 इंच छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और कुछ इसमें दिया हुआ है, हॉपर जो है उसको प्रॉपर फिक्स कीजिए, उसका हेड प्रॉपर फिक्स कीजिए, उसका जो बीटर होता है जो चर्न करता है आइसक्रीम को, उसको प्रॉपर से फिट करिए। और क्लीनिंग करना बहुत ही कंपलसरी है, और अगर आप आइसक्रीम चला रहे हैं आइसक्रीम मशीन तो कंग्रेचुलेशन, गर्मी अभी आ चुकी है और आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छे लेवल पर जाए। तो इसमें देखिए, दो टाइप का मेरे पास इसमें दिया हुआ है, जो मेरे पास पीडीएफ है उसमें दो टाइप की मशीनें दी हुई हैं, जिनके पास टेबल टॉप है उसके लिए भी है, जिनके पास फ्लोर मॉडल है वो भी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इधर साइड पे मैं लगा दे रहा हूँ, सब आपको सब दिखता रहेगा। ये है टेबल टॉप, सो टेबल टॉप में भी लगाना ज़रूरी है। और ये जो सॉफ्टी मशीन आती है, दो प्रकार की आती हैं, जिसमें एक ग्रेविटी मॉडल होती है और एक होती है पंप मॉडल। तो ग्रेविटी मॉडल ज़्यादातर लोग खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ती मिलती है, पंप मॉडल बहुत कम ही लोग खरीदते हैं क्योंकि वो महंगा मिलता है। और अच्छा प्रोडक्शन जिसमें होता है वो होता है आपका पंप मॉडल में, उसमें आपका पफिंग भी ज़्यादा होता है, मतलब उसमें ओवररन ज़्यादा आता है, और जो ग्रेविटी मॉडल होता है उसमें ओवररन कम आता है। और एज ए क्लाइंट साइड, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको पंप मॉडल में ज़्यादा फ़ायदा होगा, ग्रेविटी मॉडल में कम फ़ायदा होगा।
ढक्कन को हमेशा जब भी उसमें आप बेस डाल देते हैं तो कवर करके रखिए, क्योंकि कुछ वहाँ से गिरेगा तो आइसक्रीम में आएगा और फिर प्रॉब्लम होगा जब भी आप कस्टमर को देंगे। तो हमेशा ढक्कन को बंद करके रखिए। और ये जो दो टाइप मॉडल होते हैं, जिसमें फ्लोर मॉडल होता है उसमें डबल कंप्रेसर ये लोग लगा के देता है, चाइना मशीन जो होती है, एक कंप्रेसर आपका चलता है तो उसमें प्रोडक्शन होता है, एक छोटा कंप्रेसर देते हैं जो उसका कूलिंग को बना के रखता है, आप जब भी मशीन बंद कर देते हैं तब। सो मशीन बंद करने से पहले देख लीजिए कि वो आपने उसको आपका नाइट मोड में डाले हो कि नहीं डाले हो मशीन को। अगर नहीं डाले हो तो आपका मटेरियल ख़राब हो जाएगा, जो आइसक्रीम में पड़ा, आइसक्रीम मटेरियल जो मशीन में पड़ा रहेगा। और टोटल मैनुअल दिया हुआ है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और जिसको ज़्यादा ही ज़रूरत है तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और आप इसका एक जेरोक्स निकाल के एक फोल्डर बना के या फाइल बना के रख सकते हैं, लाइफ में कभी भी आपको काम आ सकता है। से बहुत ढूंढने के बाद मिलता है ये सब, हमको भी ढूंढना पड़ता है सब इधर उधर से। सो गाइज, बहुत से लोगों का कमेंट आता है और कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो आइसक्रीम मशीन का ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और आपको आइसक्रीम मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप नीचे जो नंबर लिंक कर रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। हम रहते हैं बेसिकली मुंबई में, तो मुंबई से अगर कुछ लोग हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं, मुंबई के लोगों का डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। मुंबई से जो बाहर हैं उनके लोगों के लिए हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आने जाने में कुछ टाइम और एक्सपेंसेस भी लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। बाय। जय हिंद, जय भारत।